आप याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी 2022 तक हर किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। इसके लिए जहां लागत को कम करना होगा वहीं उत्पादकता को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसान उत्पादकता को बढ़ाने के लिए खरीदेगा कौन? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की फसलों को नहीं खरीदा जा रहा। पहली बार किसानों को उनकी लागत से 1.5 गुना से भी काम देने का कार्य भी भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रारंभ किया है। आज 23 के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई, लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को सीधे देने का कार्य किया जा रहा है। अगर आप धान को देखें, धान का 1 क्विंटल उत्पादन में किसान की लागत लगभग 1,000 रुपए आती है, लेकिन आज के दिन पर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य उस किसान को 1,750 रुपए और 1,770 रुपए तो दे रहे हैं, 20 रुपए अतिरिक्त बोनस देने का कार्य भी हम प्रदेश सरकार के स्तर पर कर रहे हैं। विगत वर्ष हम लोगों ने किसानों की गेहूं जो पहले सीधे किसानों से नहीं खरीदा जाता था, आरपीओ के माध्यम से खरीदा जाता था, हमने 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं सीधे किसानों से खरीदा था और इस वर्ष यह राज्य बढ़कर के 53 लाख मीट्रिक टन हुआ। धान विगत वर्ष हमारी सरकार ने प्रदेश के किसानों से 42 लाख मीट्रिक टन खरीदा था और कल तक हम लोग 17 लाख मीट्रिक टन के धान का क्रय सीधे किसानों से कर चुके हैं।